ये ज़मीन का जो है एज ए मई पट्टेदार हमारी इनाम लैंड है। ये फोर फादर जो है चल लेते आ रहा सिलसिला अभी तक 2016 2018 2019 में पानी में हमारे पोजीशन कॉलम में हमारा मम्मी का नाम आ रहा और कई केसेस इसके ऊपर पेंडिंग है, जैसा कि 435 के ऊपर AS 25 पेंडिंग है कोर्ट। फिर उसके बाद ये लोग अंडरटेकिंग में दिए प्रॉपर्टी 40184 2016 में अंडरटेकिंग में प्रॉपर्टी दिए कि भाई हम कुछ भी काम वाम नहीं करते, हमारे को जो है अंडरटेकिंग में ये प्रॉपर्टी दे रहे बोल के। उसके बाद फिर ये लोग जो है इलीगल जो है ये बंडे पूरे जो है इलाके डाल रहे थे, फिर JCP ये वो जो है क्लियर कर रहे थे। फिर मैं एक पिटीशन फाइल किया 2016 में, उसका WP नंबर है 48667 जो 2016 में मैं फाइल किया था। फिर जो है पी नवीन कुमार जस्टिस जो है ये दिया कि ऑर्डर फिफ्थ रेस्पॉन्ड प्रागा टूल्स को जो है स्टेटस को मेंटेन करो बोला, स्टेटस को अभी तक मेंटेन नहीं करे। जैसा कि 2014 से WP भी पेंडिंग है, जैसा कि 11079 11059 12030 12031 और इनका लेआउट भी जो है मैं RT एक्ट में पूछा था, RT एक्ट में भी मैं ऑब्जेक्शन लगाया तो ये लेआउट जो है रिजेक्ट करे सो है, ये इलीगल जो है फिर कंस्ट्रक्शन करे। तो फिर मैं जो है 17th को 9th को रिप्रेजेंटेटिव से GHMC को दिया, फिर GHMC जो है नोटिस दिया उनको कि भाई कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना बोल के, और जोनल कमिश्नर ACP आके पूरे फोटोज लेके गए। जो वो वॉल दिख रहा वो वॉल जो है ब्लॉक कर दिया, हमारा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिए, और इसमें पूरे जो है गुंडाइज्म जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होके, जैसा कि जगन मोहन रेड्डी एक जो है बिल्डर है उन्हें इन्वॉल्वमेंट है, यूसुफ अली XML इन्वॉल्वमेंट है और शब्बीर अली XML इन्वॉल्वमेंट है, कई ऐसे जो है दादागिरी गुंडाइज्म जो है करके ये जो है प्रॉपर्टी को अक्वायर करने की सोच रहे, समझ रहे। इसमें जगन मोहन रेड्डी जो है मेन जो है जो ज़मीन खुली है बोर्ड लाना गाड़ना बोर्ड लाना गुंडागर्दी ज़्यादा है, उसका कोई रोल ही नहीं है। हमारा केस जो है प्रागा टूल से चल रहा फ्रॉम 1985 से, और 2015 में भी जो है हम अपील को गए, अपील वॉज पेंडिंग, कई केसेस जो है WP पेंडिंग है अभी भी, जैसा कि जो है 14569 68 ऑफ 2014 का भी जो है केस अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद जो है अब GHMC में हम कई रिप्रेजेंटेशन दिए, कुछ एक्शन नहीं ले रहा। GHMC भी जो है ऐसा है, ACP आए तो ACP को गालियां दी, ACP को जोनल कमिश्नर को जो है सामने बोले उंडो यार मंसूर को पिटा, मंसूर वो भी रिकॉर्डेड 2017 में शरीफा बेगम सैयद आजम अली मौजम अली मुकरम अली रुमान अफरी ये सब डाले, तो ऑल WP को जो है एक जगह चलाना बोल के चीफ जस्टिस ऑफ रामचंद्र राव जो है ऑर्डर दिए उसे। उसके बाद भी उससे पहले भी जो है कई ऑर्डर जो है चीफ जस्टिस ऑफ रामचंद्र राव जो है उनका जो प्लान सेंक्शन लेआउट के वास्ते डाले थे वो ऑर्डर भी विकेट करे उससे पहले जो है। उसके बाद भी जो है हम क्या करें, उसके बाद भी जो है हम जो है 486887 इसमें खुला लिखा हुआ है फिफ्थ रेस्पॉन्डेंट 4015 कोड ऑफ द पेंडिंग सी कोड द पिटिशन ऑफ अंडरटेकिंग दे स्टेटस को मेंटेन करो, फिर भी जो है इलीगल जो है अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन करके हमारे कब्रस्तान को भी जो है रास्ता रोक दिया, और इलीगल जो है तकरीबन 400 फीट की अलग और 4 एकड़ की जो है बाउंड्री वॉल जो है रात रात डे नाइट चल के जो है काम जो है इलीगल जो है चलाते हुए रास्ता बंद कर दे रहे हमारा। अब हम लोग जाना तो कैसा जाना, आना तो कैसा जाना, ये अक्वायर करने की ज़मीन जो है अक्वायर करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग। हुकूमत से क्या मुतालबा? हमारा जो है GHMC का मुतालबा ये है जो भी जो है इलीगल अनलॉफुल जो कंस्ट्रक्शन करे, जो है हम CM साहब से भी ये बोल रहे हैं कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसको तोड़े और इसको जो है रोके, क्योंकि बिल्डर जो है मेन जो है ये प्रॉपर्टी को अक्वायर करने की ये इनाम की है, और इसमें एक पट्टेदार भी जो है इनामदार और पट्टेदार भी जो है वो केसेस कई पेंडिंग है। अच्छा साहब, टेनेंट भी जो है बिल्डर का नाम क्या है सर? जगन मोहन सेक्शन बोल के जबकि लोही कंस्ट्रक्शन का कोई राइट्स ही नहीं, राइट्स ही नहीं है उसको, जबकि ORC रिमांड बैक है उसके ऊपर भी स्टेटस को है। ये जो बैठ रहे हैं अंदर जो रोडिनिज्म बोल रहे हैं, आप ये कौन लोग हैं यहां के? ये जो है जगन मोहन रेड्डी के मेंबर्स है। जगन मोहन रेड्डी कौन है? एक बिल्डर है जगन मोहन रेड्डी जो है प्रागा टूल जो है अंडर टेकिंग ऑफ द डेवलपमेंट में दिया सो है। अब कभी जो है इसमें जो है बात कोर्ट के ऑर्डर्स में क्या बता रहे मेंबर बता रहे, कई जगह जो है मैं बिल्डर हूँ बोल के जो है बोर्ड पे बोर्ड लगाते जा रहे हो, उन्हें उनको डेवलपमेंट में दिया, इन्होंने जो है जमीन अक्वायर करते जा रहे हैं, और कई ऐसे केसे कई ऐसे है डबल रजिस्ट्रेशन करा के जो है अक्वायर करने के चक्कर में लोग बिल्डर। पुलिस को भी हम रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो लोग बोल रहे सिविल मैटर में हम नहीं आते, बोल रहे FIR कराया था मैं, FIR कॉपी कहाँ है?
हमें से रास्ता जो है ये ब्लॉक कर दिए, पहले ऐसा माल मटेरियल डाले, ये जो है ये जो है ये रास्ता ब्लॉक कर दिए, ये जो बिल्डिंग का है पूरा खुला था, अब वो रास्ता जो है ये ब्लॉक कर दिए। हाँ, ये जो है कंस्ट्रक्शन जब कर रहा था 6 तारीख को, हम वो फोटोज़ लिए, यहाँ तक कि हमारे खबरस्तान को जो है, मर गए तो हम डेड बॉडी कैसा लेके जाना, हमारा फैमिली ग्रेवर्ड है, मर गए तो कैसा लेके आना, हम वो भी रास्ता बंद कर दिए। मेन रोड से पुराना 100 फीट पुराना रास्ता है, 100 साल का, वो भी रास्ता बंद कर। ये मुताबला करे कि इनका जो है लेआउट भी रिजेक्ट हो चुका है, अंडरटेकिंग में दिया, प्रॉपर्टी जो है वो भी जो है अभी कोर्ट की कस्टडी में है, लिहाजा हम ये चाह रहे कि जब तक कि कोर्ट के कोई फैसले नहीं हुए, कोई काम नहीं करना हो, ये जो भी इलीगल करे उसको डिमोलिश करना, हम वो मुतालबा करें सीएम साहब से, हम वही रिक्वेस्ट करें कि ऐसे जो है ब्रोकरों को जो है लाके परागा टूल्स बिठा दे, जैसा कि जगनमोहन रेड्डी है, यूसुफ अली है, शब्बीर अली है, ये लोगों को लाके बिठा दे रहे इधर। 2014 में अभी आके शब्बीर अली एक इंटरव्यू देके गए कि परागा टूल्स की जमीन, जबकि 1985 से केस चल रहा, इसमें जो है कई MLA इन्वॉल्वमेंट है, बोल के जो है GHMC के ऊपर प्रेशर डाल रहे, आना नहीं करना नहीं बोल के रुकाते जा रहे। तो आखिर ये क्या है भाई, गरीब लोगों के साथ माइनॉरिटी के साथ जो है ना इंसाफी करे, हमें को इंसाफ चाहिए बोल के हम वही मुतालबा कर रहे, और कोर्ट का जो भी वायलेशन करे उनके ऊपर पुलिस और GHMC और हुकूमत केसेस बुक करें उनके।